नमस्ते किसान भाइयों, आप सभी का स्वागत है लर्न इंडिया विद पीके चैनल में। मैं हूं आपका अपना दोस्त पुष्पेंद्र कुमार और आज मैं आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आया हूं। करचा कटिंग रीपर या धान का करचा काटने का रीपर, इस रीपर का मेन मोटिव या उद्देश्य ये है कि ये जो हरा करचा होता है इसको कटिंग करने के काम आता है और इससे कटा हुआ हरा करचा बहुत ही जल्दी सूख जाता है। जैसा कि आप देख रहे हैं वीडियो में, ये न्यू हॉलैंड 3630 ट्रैक्टर है जो कि इसमें एक रीपर लगा हुआ है, करचा कटिंग रीपर, और ये ग्रीन वाले करचे को काट रहा है जिससे कि ये करचा कम समय में सूख जाए और इसके बाद इसको जलाने में आसानी हो और फिर बाद में खेत को कल्टीवेशन के लिए तैयार करते हैं तो इसको फिर बाद में हैरो से जोतते हैं। तो ज़्यादातर इसको पंजाब में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं और पंजाब में सभी धानों की कटिंग या गेहूं की कटिंग हार्वेस्टर से होती है। ये इसके ब्लेड्स हैं रीपर के, इसमें दो ब्लेड्स होते हैं। ये ट्रैक्टर पीटीओ ड्रिवन है, इसमें काफ़ी अच्छा एज बना हुआ होता है। यही ब्लेड करचे की कटिंग करते हैं, ये रोटरी मूवमेंट करते हैं। ये इसका डिज़ाइन है, कुछ इस तरह इसका डिज़ाइन बनाते हैं और बेसिकली इसकी चौड़ाई जो विड्थ है वो ट्रैक्टर के पहियों के बराबर रखते हैं या उससे थोड़ा सा ज़्यादा रखते हैं जिससे कि ट्रैक्टर के पहियों के बीच में जो भी करचा दब जाता है तो उसको आराम से कटिंग कर सकें। और इसमें ये जो गियर है ये हैवी ड्यूटी गियर है। बेसिकली ये रीपर कई साइज़ों में आते हैं ट्रैक्टर के एचपी के अनुसार या ट्रैक्टर के पहियों की विड्थ कितनी है। इस रीपर में जो भी गियर बॉक्स आते हैं वो ट्रैक्टर के आरपीएम के अकॉर्डिंग आते हैं। यदि ट्रैक्टर में आरपीएम ज़्यादा है तो उसमें दूसरा गियर बॉक्स लगता है और आरपीएम कम है तो उसमें दूसरा गियर बॉक्स, और उसी के अकॉर्डिंग इनकी कॉस्ट होती है। इस रीपर की जनरल कॉस्ट लगभग 40,000 है और इसमें अप डाउन हो जाता है ट्रैक्टर के अकॉर्डिंग, उसमें यूज़ किया गया गियर बॉक्स के अकॉर्डिंग या फिर जो भी रीपर है उसकी विड्थ के अकॉर्डिंग। ये स्पेशली करचा काटने के लिए है। ये धान का जो बचा हुआ अवशेष होता है उसको करचा बोलते हैं। ये ट्रैक्टर पीटीओ ऑपरेटेड है और ये इसमें क्रॉस लगा हुआ है। क्रॉस को रीपर के गियरबॉक्स से अटैच करते हैं और फिर ट्रैक्टर से ड्राइव करते हैं। तो इसी तरह इसका बेसिकली फंक्शन यही है कि करचे की कटिंग करना, ग्रीन करचे को काटना और फिर उस कटे हुए करचे का जो यूज़ है उसको हम सुखाते हैं, फिर उसको जला देते हैं, फिर इससे इसमें जुताई में आसानी हो जाती है और आप किसी भी हैरो से आसानी से इसको या रूटावेटर से जुताई कर सकते हैं। ज़्यादातर पंजाब में जो कटिंग है वो हार्वेस्टर के थ्रू होती है और हार्वेस्टर से जो कटिंग की जाती है उसमें 1-1.5 फीट का करचा रह जाता है या रखते हैं जिससे कि उसमें नीचे से मिट्टी वगैरह दाने में मिक्स ना हो, तो उसके लिए थोड़ा सा कटिंग की थोड़ी हाइट रखते हैं, लगभग 1.5-1.5 फीट के अराउंड। आप इसको अपने ट्रैक्टर के हॉर्स पावर के अनुसार बनवा सकते हैं। यदि ट्रैक्टर में हॉर्स पावर कम है या फिर ज़्यादा है तो उसी के हिसाब से इस रीपर की विड्थ रखी जाती है और उसमें गियर बॉक्स भी ट्रैक्टर के अकॉर्डिंग ही लगाया जाता है। इसकी कॉस्ट लगभग 40,000 है। आप नेगोशिएट भी कर सकते हैं और पंजाब में ये बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर है।
क्योंकि पंजाब में ज़्यादातर फार्मिंग मशीनिंग से होती है, यहाँ मशीनीकरण बहुत ही ज़्यादा है, इसलिए पंजाब एग्रीकल्चर फार्मिंग में बहुत ही आगे है। खेती से संबंधित नई मशीनों की जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।